जय माता दी माँ वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी जानकारियाँ और वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिवाइन यात्रा और बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे सबसे पहले। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय माता दी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिल्ली से चलने वाली एक ट्रेन उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, बट सबसे ज़्यादा फेवरेट ट्रेन और सबसे ज़्यादा जल्दी सीट्स फिल जिसकी होती है वो है उत्तर संपर्क क्रांति। दोस्तों, इस ट्रेन का नंबर है 12445। ये ट्रेन, अगर हम बात करें इस ट्रेन में सीट्स की और फेयर की, तो दोस्तों इस ट्रेन में जो स्लीपर क्लास कैटेगरी है उसका फेयर होता है 395 का, और जो थर्ड एसी क्लास कैटेगरी है उसका फेयर होता है 1040 यानी कि 1040 रुपये, और जो सेकंड एसी होता है उसका फेयर होता है 1460 यानी कि 1460 रुपये, और अगर हम बात करें फर्स्ट एसी क्लास की तो इसमें 2440 रुपये का फेयर होता है। दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें तत्काल की, तो इसमें जो तत्काल का फेयर होता है वो 500 रुपीज़ होता है स्लीपर क्लास का। थर्ड एसी की अगर हम बात करें तो 1355 रुपये यानी कि 1355, और सेकंड एसी में तत्काल अगर आप बुक करेंगे तो 1880 रुपये की आपको टिकट्स मिल जाएंगी। और यहीं पर अगर हम बात करें कोटा की, यानी कि जैसे इनकेस अगर सभी सीटें वेटिंग में चल रही हैं, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, तो अगर आप तत्काल में बुक करना चाहते हैं तो 24 घंटे पहले यानी कि एक दिन पहले आप टिकट्स बुक कर सकते हैं। स्लीपर के लिए आपको 11 बजे बुकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी, और थर्ड एसी के लिए आपको सुबह 10 बजे बुकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप स्लीपर में करना चाहते हैं तो आपके पास 84 सीट्स जो है वो अवेलेबल होती है, यानी कि आपको बहुत जल्दी अपनी टिकट्स बुक करनी होंगी। और थर्ड एसी में जो है सीट्स का कोटा है वो 66 सीट्स हैं, और सेकंड एसी में जो है वो 16 सीट्स का कोटा अवेलेबल है, यानी कि 16 सीट्स में आपको अपनी टिकट्स बुक करनी पड़ेगी। और फर्स्ट एसी में तत्काल बुक होती नहीं है इस ट्रेन में। अगर हम बात करें इस ट्रेन के रूट्स की, तो दोस्तों ये ट्रेन दिल्ली से चलती हुई श्री माता वैष्णो देवी पहुँचती है, जिसके बीच में लगभग 9 स्टेशंस पड़ते हैं, जो कि लगभग इस तरीके से हैं: पानीपत, अम्बाला, लुधियाना, जालंधर, कैंट, पठानकोट, कठुआ, जम्मू, रामनगर, उधमपुर। उसके बाद फाइनल डेस्टिनेशन श्री माता वैष्णो देवी, जो कि सवेरे 8:05 पर आता है, और ये ट्रेन नई दिल्ली से 8:50 पर चलती है। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे ये वीडियोस और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय माता दी।